इससे इतने बड़े अलाउड ना होंगे इसके अंदर। और कुछ ज्यादा ठंडी है हजू। बाय करो सबको। ज्यादा लोड ना कि 12,000 इंडिया के अंदर। ये टायर की हालत देख रहे तू यहाँ पे कैसी हुई है। ये दिक्कत है इसमें उतरने की, का एक माइनस पॉइंट होता है। तो व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग से। एक अपना सीमेंट का ट्राला उतर रहा है, बाकी काम स्टार्ट हो चुका है मॉर्निंग के टाइम से। जल्दी उठना पड़ रहा है मुझे। एक तो सोचा था जिम जाऊंगा बट जिम नहीं जा पाया, फिलहाल थोड़ा बहुत काम स्टार्ट हो चुके हैं अपने। तो सबसे पहले इनकी गाड़ी आई हुई है, वो रुकवाने जाना है। व्लॉग की शुरुआत। हेलो जी, कैसे हो सब? तो आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम मेरा न्यू वीडियो पे आप सबको। मैं आपका दोस्त सादिक भाई। फिर चलते हैं, एक ट्रक है अपना रखवाने जाना ऊपर वाली साइड। वहाँ बहुत पंगा होने वाला है क्योंकि वहाँ स्पेस बहुत ज्यादा कम है। मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल से वहाँ तक पहुंचेगा। लेट्स सी क्या होता है। मैंने सोचा कि अपनी थोड़ा सा लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग पे आऊंगा। आगे लॉकडाउन लगने वाला है। अच्छा, हम पहले ही स्टार्ट करते हैं थोड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग। आगे लगा हुआ ट्रक को साइड करवाना पड़ेगा पहले, फिर अपनी ये हल पर ही निकलेगी भाई। तो यहाँ से गाड़ी बैक चढ़ाने की कोशिश हो रही। सो लेट्स सी कि गाड़ी बैक आएगी कि नहीं आएगी। क्या लगता है, आएगी गाड़ी इतनी चढ़ाई में बैक? तो एक ट्राई करते हैं। तो गाड़ी ऊपर घुमा के लानी पड़ेगी। ये 1 2 आने दे। आई थिंक वो आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। आ गई यार। ओह वाह, ट्रक में काफ़ी जान होती है यार। लगा नहीं था कि ऊपर इतने कम भी इसमें ना ज़्यादा लोड ना कि 12,000 इंडेक्स के अंदर। लगा नहीं था कि यहाँ तक पहुँचेगा भाई। भाई इसको नहीं रोकना, एक मिनट रुक जा। गाड़ी चढ़ाई है ऊपर तक, जाना हमने आगे वाली साइड को है। ऐसे गाड़ी घूम जाएगी आराम से। तो कितना बड़ा ग्राउंड है ये। ले गाइस, ट्रक लग चुका है यहाँ पे। यहाँ से आया था ट्रक अभी टाइम पे ना, मेरी जान ना अटकी पड़ी थी। पता है क्या दिक्कत हो रही थी? सो ये जगह देख रहे हो तुम, गाड़ी इतनी ज्यादा लोड में थी, गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई टाइम टायर के साथ ना, बिल्कुल यहाँ पे गाड़ी फंसी। पता आपको लगा कि नहीं यार गाड़ी नहीं रुकेगी। टायर की हालत देख रहे तुम यहाँ पे कैसी हुई है। वो गाड़ी अपनी लाल परी। सो अभी काफी ज्यादा काम है। एक तो ओए गाने बंद, दिन बहुत लंबा है अभी। सो काफी ज्यादा काम में पेंडिंग पड़े हैं भाई। 9 बज गए, 9:30 हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। चलते हैं अभी घर, दाने करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद फिर करते हैं काम शुरू। आप क्या कर रहे हो? बाहर कितनी ठंडी है ना, इसके साथ खेल रहे हो? इसको देख रहे हो? इनको देख रहे हो? इनको ना यहाँ रखेंगे, ठीक है? हम इनको आपके पास रखेंगे। ये लो, ये लो। गिदी 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 गिदी। देखो देखो कौन है, कौन है? थैंक यू, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय करो सबको। बाय। ठंडी है बाहर? बाहर कुछ ज्यादा ठंडी है हजू। ठंडी। आपका ब्रेकफास्ट आ चुका है ना? सो मेरा ब्रेकफास्ट भी आ चुका है ना, देखो। वाओ, दूध गिरदा। ठंड इतनी ज्यादा ना बाहर, क्या बताऊँ। ये चीज इस टाइम ना काफी अच्छी लग रही है। इसको भी ब्रेकफास्ट मिल चुका है तभी। अजय भी लिखेंगे हम गाड़ी के ऊपर अपना नाम, या एस। सो यहाँ नहीं लिखेंगे भाई, यहाँ बिल्कुल नहीं लिखेंगे। लिखना है तो पीछे लिखेंगे। ये देख लो, वाह, यहाँ लिखेंगे अपना नाम। क्योंकि हमेशा मैं जब छोटा था ना, तो मैं जब भी कोई गाड़ी दिखती थी ना, तो उसके पीछे अपना नाम लिखता था। और फिर मैं बोलता था, देखना शाम तक ये मेरा नाम रहेगा। सो वैसे देख रहे हो तुम, वाह, मौसम टोटली चेंज हो चुका है यार। ऑफिस में लाइट क्यों ऑन है? कल वाले ब्लॉग में मैंने देखा कि मेरी आवाज़ टोटली खराब हो चुकी है। सो मैंने सोचा कि यार थोड़ा बहुत अपनी सेहत पर ध्यान देता हूँ, ये ना हो कि मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए। मेरी आवाज़ देख रहे हो तुम किस हिसाब से हो चुकी है। अभी नॉर्मल वाला काम वगैरह चलता है, जो डेली रूटीन में चलता है मेरे कंस्ट्रक्शन में काम। जो काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि भाई आप काम क्या करते हो, तो बता दो भाई हमारी हार्डवेयर की शॉप है, जो मैंने वीडियो करके दिखाया था। देन उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम हमारा। तो क्या बोलते हो, खाते नहीं यार? रहने देते नहीं, खा लेते हैं। चलो नहीं छोड़ो, रहने देते यार। गला ज़्यादा खराब है, पहले कुछ ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो अभी चलते हैं भाई, अपना फ़ोन चार्ज लगाते हैं। फ़ोन डेड है। मैंने पहले बताया था ना कि मैं अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता हूँ। ये देख रहे तुम, मैंने अंदर से कुछ नहीं पहना। इस टाइम ना यहाँ पे चलने का ना मज़ा अलग होगा। पता है ये सारी जगह ना एक पूरी वाटर लेवल शील्ड होगी पड़ी हुई। सो ये रही अपनी बाइक्स।
अपना बुलेट राजा, अपना टाइगर, अपाची अभी तक आपने देखा ही नहीं होगा क्योंकि इसको मैं निकालता ही नहीं, बहुत कम निकालता हूँ। सो एक ये रही है स्कूटी, सो ये रही अपनी 7173 स्कॉर्पियो। कलपुरी वो बाहर है, तो अभी चलते हैं अभी अंदर। अभी हम जा रहे हैं सीधा महिंद्रा के शोरूम में। कुछ ही दिनों में ना आपको काफी अच्छे अच्छे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। बड़े दिन से ना हम सोच रहे थे कुछ कुछ लेने के लिए, तो हमारे ग्रुप के अंदर ना ब्रांड न्यू थार आएंगी। अब ये मत बोलना कि YouTube से आ रही है, तो YouTube से नहीं आ रही भाई, मेहनत करते हैं भाई। आपको मैंने इससे पहले दिखाया दिया कि हम ईंटे बेचते हैं, सीमेंट बेचते हैं, रेत बजरी बेचते हैं, हमारा अपना काम है भाई। अभी एक 10R भी बुक होने वाली है हमारे ग्रुप के अंदर, ये सरप्राइज। तो टाइम नहीं बता सकते, ना तो आपका टाइम बताएंगे, ना तो हम बताएंगे भाई 10R कब आने वाली है। तो 10R कौन ले रहा है ये भी सरप्राइज है कि कौन बंदा ले रहा है। अभी दो तो आज बुक हो ही जाएंगी। हम थार वाले इसलिए बुक करा रहे हैं क्योंकि जो टूर होते हैं ना भाई, वो मैक्सिमम ना शिमला वाली साइड या लेवल साइड होते हैं, तो वहाँ पे क्रूज वगैरह ब्रीजा वगैरह ये बड़ी मुश्किल से पहुंचती है। इसलिए हम लोग जिसकी अप है ना वो बुक करवा रहे हैं। 80 क्या होता है वो जाके बताते हैं कि कब की बुकिंग है और कब तक भाई। मास्क के बिना बाहर ना ही निकलो तो बेटर रहेगा। सो ये रहे वो गाड़ी भाई जिसके लिए हम आए हुए हैं। होप सो कि हमें गाड़ी जल्दी मिल जाए। बुकिंग वगैरह देखते हैं कितनी देर की बुकिंग है। हमारी टेस्ट ड्राइव स्टार्ट हो चुकी है। सो ये रहे अपने आफू भाई पीछे, लेट्स चेक करते हैं कि भाई कैसी रहती है अपनी फर्स्ट टेस्ट ड्राइव। तो ये बंदा देख रहे ये भी काफी ज्यादा खुश है। तो यहाँ पे हमारे भाई साहब ले रहे हैं टेस्ट ड्राइव। कैसा फील हो रहा है? अपने पास ऑलरेडी पड़ी हुई है उसमें और इसमें क्या फर्क लग रहा है? वो काफी डाउन में है और ये काफी अप में है, तो इसका मिरर उसके मिरर में बहुत ज्यादा फर्क है। तो आगे मुझे पता नहीं चल रहा कि कितना गैप है कितना गैप नहीं है। कोई बात नहीं, थार है भाई, छोटे मोटे खड्डे दिखेंगे नहीं। यहाँ पे मिल जाएगा हमें थोड़ा बहुत ट्रैफिक। हमने चलानी ज्यादा ऑफ रोड के लिए इतने कि ऑफ रोड में कैसी रहती है। भाई कह रहे सबसे चेक करो उनके जाके। यहाँ पे ना छोटा सा ऑफ रोड बहुत ज्यादा महसूस नहीं हो रहे थे ज्यादा, होता है। तो मैं ये वाली गाड़ी पहले टाइम चला रहा हूँ तो सडनली ना वो इसमें बहुत ज्यादा यार सडनली क्लच छोड़ रहा हूँ ना तो गाड़ी भाग रही है। जब हमारे पास ये गाड़ी आ जाएगी ना इससे इतने से बड़े अलाउड ना होंगे इसके अंदर। ये सीट बेल्ट के लिए आ गया आपका, ये रिमूव एयरबैग के लिए आ गया, ये इंडिकेटर्स आ गए आपके, ये डिस्प्ले आ गया हमारी, यहाँ से हम अपना रेडियोस के लिए आ गया। एडवेंचर्स आप करना चाहें कोई वो उस पर आप यहाँ पे क्लिक करके एडवेंचर्स के लिए जा सकते हैं। वहाँ पे आपको पावर ऑफ रोड यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी ऑफ रोडिंग करनी है आपने यहाँ पे टायरों के कस्टम पे आप जो भी अपना जैसे स्पीड पे आप रखना चाहें, पावर इंजन की जो स्टेयरिंग की सब कुछ इसमें आपको ऑटोमेटर सब कुछ आ जाएगा इसमें कन्वर्ट्स, ठीक है सर। उसके अलावा आपको यहाँ पे हमारा फ़ोन का ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिया जाएगा सारा सब कुछ। उसके बाद नेविगेशन लाइव आपका चल रहा है इस टाइम, लाइव नेविगेशन सा ऑफलाइन चलता है इसमें आपका। पार्किंग इंफॉर्मेशन में आपकी टायर ट्रेड्स की पावर्स की इसमें हवा प्रेशर सब कुछ आ जाएगा। एडवेंचर्स जो हम ब्लूटूथ सेंस ऐप के साथ कनेक्ट करेंगे उसमें आ जाएगा, इको सेंस ऐप के साथ ये देख लीजिए इसमें आपको सारा मिल जाएगा। अलर्ट्स आ जाएंगे जो भी आपकी गाड़ी में सर्विस रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होगी इसमें अलर्ट्स आ जाएंगे। ये DRLs के लिए दिया गया है, स्टे डे नाइट जो भी आप ऑफलाइन कर सकते हैं, इसको ऑफ भी कर सकते हैं ऑन भी रख सकते हैं जो भी आप, ठीक है। इसके लिए आप चूज़ करते हैं कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, डिस्प्ले ब्राइटनेस के लिए कम कर सकते हैं, डिस्प्ले ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से आप व्यू नोट चेक कर सकते हैं, फ्यूल इकोनॉमी डिस्टेंस, यूज़र नेम आप चेंज कर सकते हैं, एडवेंचर्स चेंज कर सकते हैं डिजिटल आप करना चाहें तो। तो एसी के साथ क्या मैनेज रहेगी गाड़ी की? सर एसी के साथ आपको 16 की एवरेज 15-16 की एवरेज आएगी आपको बनाएंगे। तो चीज़ जो इसमें गंदी चीज़ नहीं बोल सकता मैं, बट जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे एक बता और लगती है ना वो पीछे वाला बंदे ना बैठने में बड़ी दिक्कत होती है, ये दिक्कत है और कोई दिक्कत इस गाड़ी के अंदर भाई। सो वो रही एक रेड कलर की बीस्ट। वाओ। ओप्सो ज्यादा नहीं तो, बट एक गाड़ी तो आपको 2-3 महीने में देखने में मिल जाएगी। डीजल वाली एक लेंगे और पेट्रोल वाली एक लेंगे। झटका देती है ना ये। इस रोड पे 6 गियर तो पड़ता ही नहीं, ये दिक्कत है इसमें उतरने की पता है, इसी वजह से इसका एक माइनस पॉइंट होता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं भाई। अभी इस तरह की लग रही है, जब ये हमारे पास आएगी ना तो टोटली चेंज हो जाएगी।
सो अभी आ चुके हम बाहर, इसको रखते हैं, ये हमारी ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्ची है भाई, तो इसी से हमें गाड़ी मिलेगी। तो लेट्स सी कि कब तक मिलती है गाड़ी, इन्हें बुकिंग करवा दी है। तो भाई क्या बोलते हो? मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ब्रो।